आज की सुबह बहुत ही खुशनुमा थी, क्योंकि आज की सुबह हुई रिमझिम बरसात के साथ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6, और मेरे बच्चे की भी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। इसके उठने का कोई टाइम टेबल नहीं है, ये जल्दी उठता है कभी लेट। बारिश हो और सुबह सुबह चाय पकौड़े मिल जाए तो क्या कहना। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पकौड़े और अदरक वाली चाय, और यहाँ पे बच्चे को मैंने कर दी है सुबह वाली मालिश। कभी तो वह मालिश को एंजॉय करता है और कभी रोने लगता है, जैसा कि अभी हो रहा है। आज मेरा एक पार्सल रिसीव हुआ, ऑनलाइन मैंने ये एयर टाइट कंटेनर मंगाए थे, तो अभी उसी को अनपैकिंग कर रहे हैं। आज का नाश्ता बहुत ही सिंपल और हेल्दी था। नाश्ते में मैंने बनाया था मूंगफली की चटनी और सूजी के चीले। हमारा शौर्य अभी पलटने लगा है, पर अपने सर को अच्छे तरह से नहीं उठा पाता है तो चिल्लाने लगता है, बार बार सीधा करो, बार बार फिर वैसे ही करता है। ये हमारे बेटे की मच्छरदानी है, इसमें मैं नीचे की तरफ से थोड़ा सा कपड़ा ऐड कर रही हूँ। जब हम मच्छरदानी लगाते हैं तो नीचे से वो थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, और जिससे कि मच्छर घुस जाता है अंदर। बच्चे के नेल्स बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो अभी ये सो रहा है तो सोचा कि इसको काट दूं। शुरू शुरू में मुझे इसके नाखून काटने में बहुत डर लगता था कि कहीं चोट ना पहुंचा दूं, क्योंकि छोटा सा नाजुक सा बच्चा है ना, चोट लग सकता है। और आज खाने में बनी थी देसी मशरूम की सब्जी। मशरूम को मैंने पहले उबलने के लिए रख दिया था, 10 से 15 मिनट उबालने के बाद इसको पानी से निकाल लिया था। यहाँ पे मैंने ढेर सारे प्याज डाले हैं, जैसा कि चिकन मटन में लगता है। और आप लोगों को पता है देसी मशरूम का रेट भी ऑलमोस्ट मटन के बराबर ही है। यहाँ पे हम लोग के यहाँ ये बिक रहा है लगभग 1200 kg। यहाँ पे मैंने प्याज को 1 मिनट भून लिया है, और इसमें मैं उबले हुए मशरूम को डाल दूँगी। मिक्स मसाला और चिकन मसाला डालकर मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, और ये खाने में एकदम चटपटा लगता है, इसका टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट है। और इस मशरूम को हम लोग खाएंगे गर्मा गर्म रोटी के साथ। मैंने ये लोहे वाली कढ़ाई खरीदी थी, पर इसमें रखे रखे जंग लग गया है, तो गर्म पानी करके अभी उसी को छुड़ा रही हूँ। और यूं ही बैठे बैठे मैंने ठूसा एक क्रीम रोल, और अपने बच्चे के साथ की मालिश वाली मस्ती।